और अब खबर मुंबई से, जहां पर धारावी इलाके में एक मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। मस्जिद के ट्रस्टी अवैध हिस्से को तोड़ने का काम कर रहे हैं और इससे पहले बीएमसी ने मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर कई बार नोटिस जारी किया था। 21 सितंबर को नोटिस की डेडलाइन खत्म होने के बाद बीएमसी की टीम अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए धारावी पहुंची थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद ये कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस ने मस्जिद ट्रस्ट को 5 दिनों का समय दिया था और कहा था कि मस्जिद प्रबंधन खुद ही अवैध हिस्से को तोड़े, नहीं तो बीएमसी कार्रवाई करेगी। तो देखिए, मुंबई से ये खबर है जहां पर धारावी इलाके में एक मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए काम शुरू हो चुका है, लेकिन मस्जिद के ट्रस्टी अवैध हिस्से को तोड़ने का काम कर रहे हैं और इससे पहले बीएमसी ने मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर कई बार नोटिस भी जारी किया था। 21 सितंबर को नोटिस की डेडलाइन खत्म होने के बाद बीएमसी की टीम अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए धारावी पहुंच चुकी है। मस्जिद गिराने का, तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में इस प्रकार से अनधिकृत मस्जिद, लेन जिहाद, वोट जिहाद चलेगा नहीं। कांग्रेस का, उद्धव ठाकरे का मुस्लिम अनुनयीकरण अब। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। मिथुन चक्रवर्ती 3 नेशनल और 4 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। 8 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है। मिथुन चक्रवर्ती 3 नेशनल और 4 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। 8 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 8 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो मिथुन दा पहले ही अपने रिकॉर्ड, कई जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर चुके हैं और अब ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनको मिलने वाली है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।